كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। यह सूरह आले इमरान की एक आयत है, बल्कि आयत का एक हिस्सा है, जिस पर पिछले जुमा को भी मैंने कुछ गुजारिशात पेश की थी। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो, और बेहतर उम्मत होने का एक नतीजा यह है कि तुम लोगों को जो उखरिजत लिन्नास, कि जो उम्मत ऐसी हो कि जो तमाम इंसानों के लिए तुम्हें पैदा किया गया, और तुम्हारी खसूसियत यह है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और खुद अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत करार दिया। यानी जितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पहले गुजरे हैं, उनकी उम्मतें गुजरी हैं, उन सारी उम्मतों के मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया अला साहब सलाम को सबसे ज्यादा बेहतर उम्मत करार दी। और उस उम्मत सबसे बेहतर उम्मत होने की पहली वजह यह है कि उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को पैदा किया गया है पूरी इंसानियत के लिए। इस रूए जमीन पर जितने इंसान आबाद हैं उनकी भलाई के लिए पैदा किया गया, और यह अजीम सिफत इस ये का मतलब यह है कि हर मुसलमान वो सिर्फ अपने मफाद को नहीं देखता, बल्कि वो पूरी इंसानियत के मफाद को देखता है, और वो पूरे इंसानों के, जितने इंसान इस दुनिया में आबाद हैं इस कुरे अर्ध के ऊपर, उन सब की भलाई सोचता है। वो सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ कि बस खुद पैदा हो और खाए पिए मजे उड़ाए और चाहे इबादत भी कर ले और बस कब्र में चला जाए, बल्कि उसको पूरी इंसानियत के लिए पैदा किया गया है कि वो जिस तरह अपनी भलाई सोचता है और अपने लिए ऐशो आराम की ख्वाहिश रखता है, और जिस तरह अपने लिए उसके दिल में यह तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला मुझे अपने अजाब से बचाकर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, उसी तरह उसकी सोच ये होती है कि सारी इंसानियत ऐसी ही हो जाए, सारे इंसान वो नेक बन जाए, ईमान ले आए, नेक बन जाए, और जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाह माफ करे और फिर हमें ईमान के साथ जन्नत में दाखिल फरमाए, उसी तरह
एक मोमिन की ख्वाहिश ये होती है कि सारे दुनिया के इंसान ऐसे ही हों। तो ये ख्वाहिश किस तरह उस ख्वाहिश पर अमल होता है उसकी तफसील अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई कि तामरून बिल मारूफी व तनहून अनिल मुनकर, कि सारी लोगों की भलाई चाहने का एक लाजमी नतीजा यह है कि तुम दूसरों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। तुम्हें सिर्फ अपने आप को जहन्नम से नहीं बचाना, अपने आप को तो बचाना ही है, लेकिन दूसरों को भी दोजख से बचाना यह एक मोमिन का फर्ज है। एक मोमिन का फर्ज है कि वो हद इसके दिल में यह फिक्र हो, यह तड़प हो कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह में मुबतला है तो मैं किसी तरह उसको उससे निकाल लूं। और यह तड़प मोमिन को वरसे में मिली है नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प से। आपने फरमाया एक हदीस में कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई और उस पर परवाने आकर गिरते हैं उस आग के ऊपर, और मैं उनको पकड़कर वहां से निकालता हूं और मैं कौलियां भर भर कर लोगों को चाहता हूं कि वो जहन्नम से बचे, जहन्नम से अलग रहे। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प थी दिल में, इतनी आपको फिक्र थी अपनी उम्मत की और सारे इंसानों की कि किसी तरह मैं इनको जहन्नम से निजात दिला दूं। और उसके लिए आप इतने गमगीन इतने मुतफक्किर रहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला को कुरान करीम में यह कहना पड़ा कि लअल्लक बाख़िउ नफ्सक अला अल्ला यकूनु मुमिनीन, तुम अपनी जान को हलाक कर डालोगे इस फिक्र में कि लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। तुम्हारा काम तो यह है कि पैगाम पहुंचा दो, कोशिश कर लो, वो तुमने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद जो दिन रात तुम इस फिक्र में घुल रहे हो कि किसी तरह ये लोग जहन्नम से बच जाएं और ईमान ले आएं, तो क्या अपनी जान को हलाक कर डालोगे? इतनी शफकत से इतने प्यार से अल्लाह तुम्हारा को तारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। तो इस उम्मत मोहम्मदी आला साहिब सलातो वसलाम को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फिक्र और ये सोच अता करने के लिए इस उम्मत को खैर उम्मत सबसे अच्छी उम्मत करार दिया गया कि ये सोच और ये फिक्र ये मुसलमान हर मुसलमान के दिल में पैदा हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत का की इंतहा हो गई, आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, आप आखिरी पैगंबर थे। पिछले पैगंबर खास खास कौमों की तरफ मबूस होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए जो कयामत तक आने वाली है उस सारी इंसानियत के लिए मबूस फरमाएगा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, अल्लाह ताला ने खिताब करके फरमाया कि हमने आपको सारे दुनिया के इंसानों की तरफ भेजा है बशारत देने के लिए जन्नत की और डराने के लिए जहन्नम से, सारे इंसानों के लिए भेजा है। कयामत तक आने वाले सारे इंसान बस उम्मत मोहम्मदी अला साहिब सलाम में दाखिल है। तो इसलिए जिस तरह आपने अब नबूवत खत्म हो गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने यह फरीजा सौंपा कि तुम अपने लिए पैदा नहीं हुए हो, सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें दूसरे इंसानों के लिए पैदा किया गया है, सारे इंसानों के लिए पैदा किया गया है कि वही काम करो जो तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया था कि दावत, लोगों को दावत दो, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको। लिहाजा हर मुसलमान के जिम्मे यह फर्ज, यह किसी सिर्फ यानी सब बात लोग ये समझते हैं ये उलमा का काम है, ये मदरसे वालों का काम है, ये दीनी जमातों का काम है, तबलीग जमात का काम है,
नहीं, यह हर इंसान का काम है। क्या है कि वो हत्तल इम्कान लोगों को नेकी की दावत दे और बुराई से रोकने की पूरी कोशिश करे, जिसकी तफसील हदीस में बयान फरमाई कि अगर तुम्हारे अंदर इख्तदार है तो हाथ से रोको, और अगर इख्तदार नहीं है तो जबान से रोको, और जबान से नहीं है तो फिर कम से कम दिल में बुरा समझो। ये अल्लाह ताला ने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मती के जिम्मे फर्ज किया है, और यही वजह है कि इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया गया, सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया गया।